हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट फॉर कंपटीशन। प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका एग्जाम एनालिसिस, जो आपका आरआरबी का 9 सितंबर को फर्स्ट लॉट में वो एग्जाम एनालिसिस हम वो डिस्कस करेंगे। एक्चुअली एग्जाम बहुत ही ईजी आया है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम बहुत ईजी है, आप इजिली जाकर अपनी सेकेंड शिफ्ट में या जो आपकी आने वाली शिफ्ट है उसको आप इजिली अटैम्प्ट कर पाएंगे। जैसे आपको पेपर का पैटर्न पता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी के 40-40 क्वेश्चन आते हैं, और हमने देखा है एग्जाम में जैसे हमें रिव्यू मिले हैं बच्चों स्टूडेंट से, वो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको 45 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं। ओके, सो अगर गाइस हम बात करते हैं गुड अटेम्प्ट की पेपर लेवल की, पेपर लेवल बहुत इजी था सिंपली, और क्वांटिटिक आपका मतलब क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से आपका 40 क्वेश्चन आए थे, और गुड अटेम्प्ट जैसे हमने रिव्यूज में देखा और जैसे हमने अपने इनपुट जो हमें मिले हैं स्टूडेंट से उसके अकॉर्डिंग 28-32 आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का गुड अटेम्प्ट होगा, और रीजनिंग में आपका अगर 40 क्वेश्चन आए थे जैसे, तो 27-31 आपका गुड अटेम्प्ट होगा। ओके, तो गाइज आप गुड अटेम्प्ट की मीनिंग आपको आने वाले शिफ्ट में क्या फायदा मिलेगा कि आपको एटलीस्ट उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे ताकि आप अपना आने वाला जो आपका पेपर है आप उसमें एटलीस्ट कट ऑफ से आप ऊपर मार्क्स अपने ले आए। ठीक है, ओके, तो गाइज अगर मूव करते हैं हम फटाफट, अगर हम डिस्कस करते हैं अगर हम हमारे पेपर का पैटर्न किस तरीके से रहा, हमारे क्वेश्चन किस तरीके से आए एग्जाम में, तो आप गाइज यहाँ पर देखेंगे नंबर सीरीज में जैसे हमने डिस्कस किया था नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन आए थे। ओके, नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन आए, अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन आए, डेटा इंटरप्रिटेशन से 15 क्वेश्चन आए, ओके, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 क्वेश्चन आए, और रेस्ट जो बचे थे वो मिसेलेनियस लाइक प्रोबेबिलिटी और आपके जो डिफरेंट टॉपिक्स बचते हैं मैथ्स में उनसे क्वेश्चन आए। ओके गाइस, नंबर सीरीज के क्वेश्चन हम आने वाली अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं हमारे। अप्रोक्सीमेशन की आप प्लीज हमारी वीडियो देख लीजिए, बहुत ईजी वीडियो बनाई थी हमने और आपके क्वेश्चन भी बहुत ईजी आए हैं। ओके, डीआई और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 क्वेश्चन आए और रेस्ट आपके मिसेलेनियस से आए। आपको इससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है, कोई शॉकिंग मटेरियल नहीं है आपके एग्जाम में, जो प्रीवियस ईयर पैटर्न्स था वही फॉलो हो रहा है, कोई ऐसा डिफरेंट नहीं आया और पेपर का लेवल बहुत ही ईजी था। ओके, तो गाइस आप बिना टेंशन किए आप नेक्स्ट अपना जो आपके आने वाले पेपर हैं, मतलब जो आपके शिफ्ट में पेपर होंगे जिनका भी आरआरबी बचा हुआ है, वो ईजिली जाएँ और अपना पेपर सॉल्व करें, बहुत ईजी पेपर आएगा आपका। ओके, और नंबर सीरीज और जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के और आपके रीजनिंग एबिलिटी के, तो वो हम आपसे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो गाइस अगर हम रीजनिंग पे मूव करें, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आए थे जैसे हमें पता है, 40 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। ओके, 40 क्वेश्चन क्योंकि 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन होता है इसमें, और आपका सिटिंग अरेंजमेंट की 15 क्वेश्चन आए, सिटिंग अरेंजमेंट की 15 क्वेश्चन आए, और जैसे हमें इनपुट मिले हैं वो पता चला है हमें कि सेंटर इनवर्ड और आउटवर्ड मीन्स जो थे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे उसमें कुछ लोग टूवर्ड द सेंटर बैठे थे और कुछ मतलब पर्सन आउटवर्ड द सेंटर बैठे थे। ओके, तो आपका सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, वो पजल जो टेस्ट आया आपका वो बॉक्स पजल के ऊपर आया था। ओके, जो आपका पजल टेस्ट आया वो बॉक्स पजल के ऊपर आया था, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस के आपके 5 क्वेश्चन आए, फिलोसफी के आपके 5 क्वेश्चन आए, कोडिंग डिकोडिंग के आपके 5 क्वेश्चन आए, और रीजनिंग एंड डायरेक्शन टेस्ट एंड ब्लड रिलेशन के भी आपके 5 क्वेश्चन आए। तो गाइस इस एग्जाम रिव्यू से हम क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हमारा कोई भी पैटर्न में कोई भी न्यू चेंजेस नहीं आए, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे अभी तक कि आरआरबी का पेपर हमारा ऐसा आएगा, तो सिंपल ऐसे क्या है, बस आपको एक आपके लिए गुड न्यूज़ है कि पेपर का लेवल बहुत ही ईजी है। अगर पेपर का लेवल बहुत ईजी है तो आईबीपीएस का पता है आपका आईबीपीएस सेम ही लेवल फॉलो करता है आने वाले शिफ्ट में भी, तो ये आपका शिफ्ट आने वाले शिफ्ट में बहुत ईजी पेपर आने वाला है। आप सिंपली जाइए अपना पेपर अटैम्प्ट करिए, और आप क्वेश्चन से रिलेटेड जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप ऐप पे भी शेयर करेंगे, तो प्लीज़ ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, और प्लीज़ क्लिक ऑन सब्सक्राइब, क्योंकि हम जल्दी ही जब हमारे पास पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, सो गाइज प्लीज़ क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, एंड प्लीज़ ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।